मैं आह्वान करता हूं डॉक्टर जी संजीव रेड्डी जी, जो हमारे INTUC के अध्यक्ष हैं और पूरे भारत के मेहनत कष्ट के नेता, वो वक्तव्य रखे। श्रमिक आंदोलन जिंदाबाद, श्रमिक आंदोलन जिंदाबाद, डॉक्टर रेड्डी जिंदाबाद। ट्रेड यूनियन के प्रेसिडियम लीडर्स और हमारे सेंट्रल INTUC सेंट्रल ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशंस के नेतागण, और हम सब लोग एक होकर ये मजदूर तहरीक को आगे ले जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। हम लोग साथियों, कल से आप देख रहे हैं हम सब मिलके एक आवाज़ से मजदूरों के मांग के लिए एक नया ढंग से जद्दोजहद हम कर रहे हैं। इस देश के अंदर मजदूर तहरीक को आगे ले जाना है, और दूसरी तरफ से केंद्र सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट जो है मजदूर तहरीक को कमज़ोर बनाना चाहती है, कुचलना चाहती है, तोड़ना चाहती है और मजदूरों के आवाज़ के गले को दबाना भी चाहती है, जिसके विरुद्ध में हम ये बताना चाहते हैं सरकार को, ये नया कोई सरकार नहीं है, इससे पहले भी कई सरकार इस देश में आए और चले भी गए। ये BJP सरकार और मोदी सरकार को ये समझना चाहिए, वो आज सरकार में है, कल नहीं रहेंगे तो ये मजदूरी जो है उनको दुआ देते रहेंगे। अच्छा काम करे तो याद करेंगे, बुरा काम में तो फिर बुरी तरह से याद करते रहेंगे। आप सब जानते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब नए नए बड़े बड़े कंपनी पब्लिक सेक्टर के अंदर लगाया, उस वक्त उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के नए मंदिर बन रहे हैं, और आज मोदी जो है उस मंदिरों को गिरा देना चाहता है, वहां पर खुद का खबर बनाना चाहता है। हम ये कहते हैं मंदिर को कब्रिस्तान मत बनाओ, मंदिर को मंदिर ही रहने दो। हजारों वर्कर्स उसमें काम करते हैं और हजारों वर्कर की जिंदगी और उसके साथ गुजर रही है, और देश का बहुत बड़ा भला होता है, और देश का आमदनी में बहुत ज़्यादा अगर मदद करती है तो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री ज़्यादा इनकम टैक्स के जरिए से, एक्साइज ड्यूटी के जरिए से, एम्प्लॉयमेंट के जरिए से, हर तरह से पब्लिक सेक्टर मदद करती है। उसको जिंदा रहने दो, जीवित रहने दो, ये बात हम बार बार कह रहे हैं।